नेशन न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मंजुल मंजरी। बोकारो जिले के चास पुलिस ने 1,15,00,000 रुपए गबन के आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में चास के वंशडी तारानगर निवासी रोहित राज उर्फ संजय सिंह ने बैंक ऑफ इंडिया से 1,15,00,000 रुपए का लोन लिया था, जिसे बैंक को वापस नहीं किया गया। इसके बाद बैंक ने 2.5 साल पहले थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। गिरफ्तार आरोपी ओम साई सेल्स के प्रोपराइटर हैं। गिरफ्तार संजय की पत्नी और दो भाई पहले से ही जेल में बंद हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी 2.5 साल से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी कई छापेमारी करने के बाद हुई। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दिनेश है। दिनेश, पूरे मामले की जानकारी चाहेंगे आपसे। जी देखिए, लगभग 2.5 साल पहले जो है दास थाने में एक बैंक ऑफ इंडिया के एक अधिकारी जो शाखा तत्कालीन जो शाखा प्रबंधक जो थे, उन्होंने धोखाधड़ी पर और 1,15,00,000 रुपए गबन करने की प्राथमिकी चास थाने में दर्ज कराई थी। हालांकि इस मामले में जो आरोपी जो गिरफ्तार हुआ है संजय सिंह, उनकी पत्नी और उसके दो दो भाई सही थाना क्षेत्र में जो है से गिरफ्तार किए गए थे, जो आज भी वो जेल में है। लेकिन ये जो संजय सिंह जो था, इसके गिरफ्तारी के लिए कई जगहों पर लगातार छापेमारी की जा रही थी और लगातार छापेमारी के बाद पुलिस को सफलता हाथ नहीं लग पा रही थी। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि क्या पुलिस ने किस तरीके से, तो पुलिस का कहना है कि हम जो है वैज्ञानिक अनुसंधान। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका दिनेश। तो आपको बता दें कि चार्ल्स पुलिस को बैंक रुपए में गबन करने के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी है और यह करोड़ों रुपए के गबन का आरोपी है, जिसे गिरफ्तार किया गया है चार्ल्स पुलिस के द्वारा। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।